हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैराल्जिया पैरेस्थेटिका के बारे में और साथ ही देखेंगे कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेस जिससे हम इस कंडीशन को सही कर सकते हैं। सो व्यूअर, जो मैराल्जिया पैरेस्थेटिका है इसमें हमारी जो लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व रहती है जो कि इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से गुजरती है, जब उस पर दबाव आता है, कंप्रेशन आता है, तो पेशेंट को जांग के इस हिस्से में जहाँ पर ये जो नर्व है हमारी सप्लाई करती है वहाँ पर दर्द, झंझनाहट, सुनपन और हाइपर सेंसिटिविटी महसूस होती है। व्यूअर से कॉमनली देखने को मिलता है उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा टाइट बेल्ट पहनते हैं, टाइट पैंट पहनते हैं, इसके अलावा जिन लोगों को ओबेसिटी यानी कि जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनको प्रेगनेंसी है और साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये देखने को मिलता है। कूल्हे के आसपास चोट लगती है तो भी मैराल्जिया पैरेस्थेटिका हो सकता है। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेस देखेंगे जिससे हम मैराल्जिया पैरेस्थेटिका को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, एक्सरसाइज के अलावा यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो आप वज़न को कम करें, यदि आप टाइट बेल्ट या टाइट पैंट्स पहनते हैं तो आपको ढीले कपड़े पहनने चाहिए। इससे क्या होगा, जो नर्व पर कंप्रेशन आ रहा है वो कम होगा और आपके सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइज हमें इस कंडीशन में करनी है। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस स्ट्रेच को परफॉर्म करने के लिए आपकी स्टार्टिंग पोजिशन इस तरह होगी, जिस पैर में आपको तकलीफ है वो पैर आपका पीछे रहेगा। अब इस पोजिशन से अपनी बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करें। आपको हिप फ्लेक्सर मसल में यानी इस जगह पर स्ट्रेच महसूस होगा। अब यहाँ से आप अपनी बॉडी को साइड में इस तरह लेकर जाएं। इसको हम लेटरल फ्लेक्शन या साइड फ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ से स्ट्रेच का जो आखिरी स्टेप है उसमें आपको इस पोजीशन से बॉडी को पीछे की ओर रोटेट करना है। इस पोजीशन को आप करीब 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार आप इस स्ट्रेच को दोहराएं। कॉर्डिसेप मसल स्ट्रेच के लिए आप घुटने को मोड़ते हुए हाथ की मदद से पंजे को पीछे की ओर लेकर जाएं। इस पोजीशन को 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार आप इसे दोहराएं। इस स्ट्रेच को परफॉर्म करते वक्त आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए और पेल्विस यानी कि कमर न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। इस पोजीशन को आप करीब 30 सेकंड तक होल्ड करें और 2 से 3 बार आप इस स्ट्रेच को दोहराएं। इस एक्सरसाइज में आप उल्टे लेटकर अपनी अपर बॉडी को दोनों कोहनी पर सपोर्ट करें। अब अपने घुटने को पीछे की ओर मोड़ें और साथ ही अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड करें। अब धीरे धीरे अपने घुटने को सीधा करें और अपनी गर्दन को नीचे की ओर मोड़ें। आप इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीट करें। यदि आपको इस एक्सरसाइज के दौरान दर्द महसूस होता है या आपका दर्द बढ़ता है तो आप तुरंत इस एक्सरसाइज को रोक दें।